Yeah, everybody knows one basic part here. Nomenclature is always in two form. Nomenclature, we always take in two forms. What are those two forms exactly? One is IUPAC. And another is the common one. One is IUPAC. Yeah. And second is common name. जैसे आपको बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे ना, यू विल नॉट बिलीव दे आस्क यू फुल फॉर्म ऑफ IUPAC. तो भी बहुत ही बेसिक करनी होगी तो वो फुल फॉर्म कर देंगे. व्हाट कर रहे हैं? IUPAC, we said here, this is International Union of Pure, and Applied Chemistry. And Applied Chemistry. Pure and Applied Chemistry. ये चीज हम लोगों को अच्छे से मालूम है. अब देखो एक बहुत ही कॉमन नेम क्या हुआ. कॉमन नेम जो जिस समय साइंटिस्ट लोगों ने जो नाम दिया, जैसे नहीं देखते हो एक निक नेम इंटरनेशनल और इंटरनेशनल. हाँ इंटरनेशनल. ये कॉमन नेम में क्या होता है आपका, इसमें जो उनको ध्यान आया उस समय वो नाम ये लोग डाल देते हैं. मतलब कि उनको जैसा, जैसे नहीं कहते आप निक नेम होता है जो बच्चे पैदा लेते हैं उसके फिजिकल अपियरेंस के बेसिस पे नाम पड़ जाता है, गोलू मोटू जो भी इस तरह से, वैसे वो चला जाता है कॉमन नेम में. बट IUPAC नेम इज समथिंग हियर व्हिच इज रजिस्टर्ड नेम, जिससे कि आपके पासपोर्ट वगैरह बनेंगे एंड वोटर आईडी बनेंगे. तो दैट इज एवरीबॉडी टेक्स दैट नेम. वो आपका सर्टिफाइड नेम होता है और उस नेम में एरर नहीं, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए. आपको मालूम होना एक बात बता दें बेटा, बैंक में आपके एक छोटे से स्पेलिंग की वजह से कचड़ा हो सकता है. जैसे हमारे एक स्पेलिंग का जो है बहुत तमाशा करते हैं लोग सब. एक जगह पर AU जाता है और कभी वो OU करके मेरे को तंग करते हैं. मतलब तो तंग नहीं करते हैं, इट हैपेंस, दैट इज फॉर मी ओनली दे आर टेकिंग प्रिकॉशंस, लेकिन मेरा दिमाग खराब होता है. अपने कर देते हैं बेटा, अपने कर देंगे A, कभी OU कर देंगे एंड बैंक वाले फिर उसके बाद कुछ किसी किसी फॉर्म में परेशान करना शुरू करते हैं. तो दे आर डूइंग इट करेक्ट थिंग. तो ये आपको एक एग्जाम्पल दे के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि IUPAC नेम में स्पेलिंग एरर भी नहीं होता है बेटा. With a change in spelling, meaning will change. ठीक है, इसलिए बैंक वाले जब भी है, मेरा ये एरर कभी होता है, तुम एक चीज हम तुमको बहुत ही सिंपल सी बताते हैं, पता नहीं कितना समझते हो. HDFC का बेटा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है. डेबिट कार्ड में ये स्पेलिंग है, क्रेडिट कार्ड में ये स्पेलिंग है. अब किसने किया, हमने तो नहीं किया होगा, लेकिन ये क्रेडिट कभी कुछ होता है, पैसे के इधर से उधर जाते हैं तो वो लोग तंग करते हैं कि नहीं आपके आए नहीं तो ये स्पेलिंग का चक्कर है ऐसे वैसे करके. सो ऑल दीज थिंग्स इफ आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू बाय प्लेइंग ऑन माय नेम, मतलब अपने ही नाम पर हम तमाशा कर रहे हैं, उसके पीछे यही समझाने का मतलब है कि IUPAC में यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक विद अ लेटर. कोई भी लेटर का एक ही जगह पे ई नहीं लिख सकते हो, ओ नहीं लिख सकते हो, दैट इज रजिस्टर्ड नेम. एंड इससे इसके नाम में कोई चेंज करोगे मीनिंग उसके चेंज हो जाएंगे. So we need to understand its rule also, how to put that name and all. Sara rules janna hoga. To IUPAC format mein exactly hota kya hai? Matlab IUPAC name mein style kya hai likhne ka? IUPAC name ka ek style hota hai, jo ki maintain karna hota hai even Chinese and North Korean jo bhi hain, jo ki bahut apne hisab se bahut badtameez type ke hain ya outlaw hain, wo bhi naam ke liye, kyunki unko pata hai ki medicines ka naam sab waise hi dala jayega. So they also follow rules. तो IUPAC rules के तहत इसका एक format है कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है. मतलब when you are writing name, what do you have to write first? पहला कहलाता है prefix, दूसरा कहलाता है word root, तीसरा कहलाता है suffix. ठीक है, prefix में क्या होगा, prefix we are having two terms. एक हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, दूसरा हो जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स, राइट. मतलब प्रीफिक्स का दो हिस्सा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स. देन वी आर हैविंग वर्ड रूट, देन वी आर हैविंग सफिक्स व्हिच इज आल्सो टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स.
This is primary we are saying, and next is what? Secondary suffix. Now, what do we have in these two cases, primary suffix and secondary suffix ke case mein? Iska meaning kya hai? Matlab jaise tumko hum ek example dete hain, ek naam likhte hain beta. Aapko batate hain, just by writing one name here, what does that name? Suppose karo ki ek structure hai. क्या है, कैसे आया, तुमको कोई दिमाग नहीं लगाना है अभी फिलहाल. एक स्ट्रक्चर है, कैसे आया, क्या आया, कोई पता नहीं, बस तुम नाम पर ध्यान देना. हम इसको लिखते हैं 2-methyl-cyclohexane-1-ol. आई रोट दिस नेम, दिस इज आईयूपीएसी नेम. अब आप बोलोगे कि मिस ये बताना क्या चाह रहे हैं यहां पर, तो सिंपल सी बात है, ये जो मिथाइल है ये है बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स. दिस इज योर सेकेंडरी प्रीफिक्स हियर. समझ रहे हो, ये मिथाइल जो है सेकेंडरी, एंड ऑर्डर में कोई हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं. एंड ये एक सिंगल वर्ड दिख रहा है आपको नाम का, बट दिस हैज बीन टेकन एज अ ब्रोकन टाइप है ये. मतलब देयर विल बी सेकेंडरी प्रीफिक्स फर्स्ट, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है. फिर ये जो साइक्लो वर्ड हम लिखे हैं, साइक्लो, दिस इज योर प्राइमरी प्रीफिक्स. हेक्स जो है, दिस इज वर्ड रूट. ये जो एन है वो है प्राइमरी सफिक्स. ठीक है, और ये जो ऑल है, ये वर्ड रूट बताया हमने, डब्ल्यू आर किया, और जो है ये जो एन है ये प्राइमरी सफिक्स, ये वाला, और ये जो ऑल लिख रहे हैं हम, दिस इज योर सेकेंडरी सफिक्स. डिड यू गेट हियर? मतलब अब चेक आपके दिमाग में ये आएगी कि क्या हम इसको उल्टा पुल्टा इधर उधर कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको ये फॉलो ही करना है. तुम देखो कितना डिसिप्लिन में फॉलो हुआ है, क्योंकि हर एक का, तुम सोचो कि कितने सारे कंपाउंड्स हैं. इससे एक दवाई का डब्बा उठा करके देखना, उसमें कॉम्पोजिशन लिखा रहता है, उसमें आईयूपीएसी नेमिंग दिया हुआ है. डॉक्टर्स दे गेट टू नो कि अच्छे कौन हल्का है, कौन जड़ है यहाँ पर, कौन इसमें प्राइमरी सफिक्स है, कौन सेकेंडरी सफिक्स है, कौन लीड कर रहा है, कौन फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी वजह से उनको पूरी बात समझ में आ जाती है. पूरी बात, दवाई बनाने वाले और दवाई खाने वाले को तो कुछ समझ नहीं आता, खिलाने वाले जो हैं उनको पूरी बात समझ में आती है कि होशो अवश में वो बात कर रहे हैं कि क्या चल रहा है. ठीक है, सो एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग, ये जो आईयूपीएसी नेम है विच इज हैविंग प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स, दिस ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन. ये ऑर्डर चलेगा, ये ऑर्डर चलेगा का मतलब साफ हो रहा है कि दिस हैज टू बी, ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है. ठीक है, अब यहां पर बात आ रही है कि व्हाट इज इट मीनिंग ऑफ प्राइमरी प्रीफिक्स एग्जैक्टली. प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स का अलग अलग सबके नाम आपको पता होना चाहिए. नेम ऑफ अल्काइल ब्रांच, अल्काइल ब्रांच का मतलब है कि कार्बन विच इज नॉट इन द वर्ड रूट, अल्काइल ब्रांच. दूसरा, नेम ऑफ इंफीरियर फंक्शन ग्रुप. ठीक है, name of alkyl branch we said and name of inferior functional group. Now what's the meaning of inferior functional group? ये भी आपको समझाएंगे अभी हम. ये word आपका लिख दिया primary prefix. देखो alkyl branch से कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे ये carbon है, 10th standard में पढ़ा होगा word root. ये 1, 2, 3, 4, 5 आपका chain में है. इधर जो जैसे टहनी नहीं निकलता है बेटा, पेड़ के side से जो branches निकलते हैं, that is basically called branch of alkyl here. कोई भी इसको branch माना जाएगा. This is branch here.
और ये जो ब्रांच आपको दिख रहे हैं इसका नाम आपका प्राइमरी प्रीफिक्स में यानी सबसे पहले लिखाएगा. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्काइल ब्रांच, नाम क्या है वो, दैट इज सेकेंडरी. पहले आप ये बात समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज प्राइमरी प्रीफिक्स एग्जैक्टली. प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हुआ, जो आपका ब्रांच नजर आ रहा है उसका नाम होगा. अल्काइल ब्रांच के अलावा दूसरा हम लिखते हैं नेम ऑफ इंफीरियर फंक्शन ग्रुप. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंफीरियर फंक्शन ग्रुप, ये हम आपको एक सिचुएशन बताएं. दूसरा सिचुएशन ये बता रहे हैं, सपोज करो एक कंपाउंड है, इसके पास ये फंक्शन ग्रुप है ऐसा. तुमको फंक्शनल ग्रुप का आइडिया टेंथ में दिया गया था, ये हमको सोच के बताओ कि यहाँ पर कितने, कोई बता दो कितने फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं. हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप यू कैन सी ओवर हियर, दो, टू, एक एंड दूसरा एक है सुपीरियर है, दिस इज सुपीरियर. दो रहेगा ना, दोनों को इज्जत एक से नहीं मिल सकती है. एक कहलाएगा इंपीरियर, इसका ऑर्डर है, कौन इंपीरियर होगा, कौन जूनियर है, कौन सीनियर है, इसका एक हायरकी है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा अभी. लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि दिस इज सुपीरियर हियर एंड दिस इज इंपीरियर. तो इसका जो नाम होगा ना, दैट विल गो अंडर प्राइमरी प्रीफिक्स. मतलब इसका जो भी नाम होगा प्राइमरी प्रीफिक्स, ये यदि जिस समय ये अकेला है बेटा, जिस समय ये अकेला था ना, मतलब सपोज करो ये केवल प्रेजेंट है, ओएच प्रेजेंट है, तब ये बॉस है, तब ये बॉस है, तब ये सुपीरियर है. लेकिन जैसे ही किसी इससे सीनियर कोई आ गया, इसका स्टेटस क्या हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स वाला. और ये फंक्शन ग्रुप को हम बताएंगे आपको सेकेंडरी सफिक्स में इसका नाम जाता है. तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप दैट इज वन प्लेस, एंड नेम ऑफ इंफीरियर फंक्शन ग्रुप सेकेंड प्लेस, थर्ड होता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. कुछ अल्काइल के अलावा कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिसका नाम हर समय प्रीफिक्स में ही रहता है. दे आर हैलोजन्स, ठीक है, दे आर हैलोजन्स, दे आर नाइट्रो जो हमारे सिलेबस में है, एंड ईथर अल्कोक्सी. क्या क्या नाम बोले हम, यहां देखना जरा सा, हैलोजन, नाइट्रो एंड दिस इज अल्कोक्सी. ये बेटा नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, दे ऑलवेज रिमेन इन प्रीफिक्स, ये हर समय प्रीफिक्स में रहते हैं. तो आपको समझ में आ रहा है कि प्राइमरी प्रीफिक्स वाले कौन है, अल्काइल का ब्रांच, इंपीरियर फंक्शन ग्रुप एंड फ्यू सब्स्टिट्यूएंट्स, दे आर हैलोजन्स, नाइट्रो, अल्कोक्सी. एक तरह से तुम बोलो अल्काइल, हैलोजन, नाइट्रो एंड अल्कोक्सी. अल्कोक्सी ईथर को कहते हैं. ये आपका हर समय प्राइमरी प्रीफिक्स में जाएगा, ठीक है. सेकेंडरी प्रीफिक्स, दिस इज योर सेकेंडरी प्रीफिक्स इज साइक्लो वर्ड, साइक्लो. लेकिन ये वर्ड तभी यूज होगा जब साइक्लिक है. दिस वर्ड इज यूज्ड व्हेन कंपाउंड इज साइक्लिक. Secondary prefix. समझ आ रही है? This word is used when substance is cyclic. ये बात को समझ में आ रही है? जब भी ये cyclic होगा, तो क्या use किया जाएगा? Cyclo. For example, जैसे ये है, तो cyclo word use होगा. लेकिन ये तभी होगा when compound is cyclic. Is एलीसाइक्लिक, यू कैन से एरोमेटिक में तो नहीं, एलीसाइक्लिक. एलीसाइक्लिक याद है ना, साइक्लिक के बारे में बोला था, जो कि एरोमेटिक नहीं है. ये तभी यूज होगा, ध्यान रखना. सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद किसका नंबर, वर्ड रूट. वर्ड रूट, रूट बेटा जड़, वर्ड का जड़. ये बात जान लो, दिस इज योर एल्क नेम. Elk's name. Secondary prefix ho gaya. This is word root and it is elk's name. Kaise jayega? Myth. For one carbon atom. Yaad hai? It.
prop. Ma'am. Haji. Ma'am, on the first slide you mentioned I flew as second primary pupil. एक मिनट. ये उल्टा हो गया, एक मिनट. दिस इज सेकेंडरी, वो उल्टा हो गया, ये वाला उल्टा लिखा गया बेटा. एंड दिस हैज टू बी प्राइमरी. उल्टा लिखा गया, ठीक है. अदरवाइज मीनिंग इज सेम. मीनिंग जो अभी बताया ना वो सेम है आपका. उल्टा लिखा गया, जो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज करेक्ट. थैंक यू. हाँ, अब इधर आइए बेटा. मिथ, इथ, प्रॉप. इथ के लिए क्या है? टू. प्रॉप के लिए थ्री. यू के लिए फोर. पेंट फोर. फाइव. हेक्स सिक्स. एफ सेवन. ऑक्स लेकिन इतना टेन तक कभी हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. एल्क्स नेम, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टेड कार्बन चेन. सेलेक्टेड कार्बन चेन के बेसिस पर एल्क नेम होता है. ये जड़ है. इस सबसे पहले हम लोग इसी पर काम करते हैं कि अच्छा जड़ कौन सा है उसको देखते हैं. अब वर्ड रूट के बाद आपका आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स याद करो. हम लोग इस चीज में क्या बोलने की कोशिश करते हैं. सफिक्स मतलब क्या हुआ? एन, इन एंड आइन. दिस डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. यदि सिंगल बॉन्ड केवल प्रेजेंट है ना, केवल सिंगल है, तो इट विल बी एड्रेस एस एन. यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ई, एक भी डबल बॉन्ड, एक भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, दैट विल बी टेकन एज ई. व्हाट वी अंडरस्टूड एग्जैक्टली? ए फॉर सिंगल, ई फॉर डबल, आई फॉर ट्रिपल. ठीक है. सो दिस इज हियर दैट इज गिवन फॉर प्राइमरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया? This is BOS, name of the functional group. कोई भी functional group होगा उसके basis पर उसका नाम दिया जाएगा. मतलब तुम थोड़ी देर के लिए समझो, यहां पर टू मिथाइल साइक्लो हेक्स एन वन ऑल. अब यहां दिख रहा है आपको, मिथाइल इज अ ब्रांच, साइक्लो साइक्लिक की वजह से बोला, हेक्स क्यों बोला? क्योंकि सिक्स कार्बन एटम्स है यहां पर चेन में. एंड एन क्यों बोला? ओनली सिंगल बॉन्ड इज देयर. एंड ऑल क्यों बोला? ये फंक्शन ग्रुप की वजह से. लेकिन अभी अभी हमारी बस जस्ट शुरुआत हुई है. अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था ये हम बता देते हैं. ऑब्जेक्टिव था कि आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या आना चाहिए. ये चीज का आइडिया आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए. मतलब यू कैन नॉट डू कॉम्प्रोमाइज विद द शिफ्टिंग ऑफ एनी ऑफ दीज ग्रुप. जैसे आप ये नहीं सोच सकते हो कि प्राइमरी सफिक्स को हम पहले लेके जाएं या सेकेंडरी सफिक्स को पहले लेके जाएं. दीज थिंग्स यू कैन नॉट डू एक्साइटमेंट में कि नहीं नहीं हम तो बस बताना चाह रहे हैं. मेरा दिल यहाँ पर नहीं चलता है. यहाँ पर आपको बाकायदा एक फॉर्मेट की तरह आईयूपीएसी नेमिंग करनी होगी. और ये जान लो कि मेरा दिल वाली चीज चाइना भी नहीं फॉलो करता है. वो भी इस चीज के उसके टीचर भी अभी समझा रहे होंगे ना, ऑर्गेनिक पढ़ा रहे होंगे, तो वो भी यही बात बता रहे होंगे कि यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर. ऐसा नहीं है कि मेरा दिल कर रहा है या मेरा मन कर रहा है उसी. यदि आप मेरा मन के हिसाब से करोगे ना, तो यू वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स. आपसे गलती हो जाएगी. और इसका हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे. अभी चार पांच क्लासेस जो होंगे केवल नॉमेनक्लेचर पर ही होंगे. और ये बात जान लो, यहां पर आपका झटका लग गया और नहीं आया गया तो आप 12 तक आप तंग करते रहोगे अपने आप कॉन्सेप्ट्स के साथ. 12 तक आपको परेशानी होती रहेगी. तो ये तो था बेटा फॉर्मेट. ठीक है, हम बार बार उसको रिमाइंडर आपको देते रहेंगे. लेकिन वी आर हैविंग आईयूपीएसी रूल्स, इंटरनेशनल लेवल पे सब उसको फॉलो करते हैं. पहला रूल है, ये रटना नहीं है,
लेकिन लाइफ में जैसे कहते हैं ना रोड के बाई तरफ चलनी चाहिए, रटना नहीं है लेकिन हम चलते हैं, तो कैरेक्टर में वो आ जाता है। उसी तरह से आईयूपीएसी रूल्स भी कैरेक्टर में आना चाहिए। सबसे पहला रूल टेंथ में पढ़े हो आप, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फॉर वर्ड रूट। तुम्हारा सबसे पहला काम होगा कहीं कंपाउंड दिया हुआ है तो ढूंढो उसमें सबसे ज्यादा कि विच इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर वर्ड रूट। इसका मतलब क्या हुआ? कितने तरह के कार्बन चेन आपको यहां नजर आ रहे हैं? कैन यू स्पीक हियर? एक ये कार्बन चेन हुआ, थ्री नहीं, इस वाले कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? सेवन। इसमें कितने हो गए? फोर एट मैम नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन ये भी है बेटा। तो आपको इस लाइन से क्या समझ में आया? इसको सेलेक्ट करनी चाहिए नाइन इसको सेलेक्ट कर लें। यस मिस। और इसमें जो दो कार्बन एटम हम सेलेक्ट नहीं कर पाए वो अब हो गया ब्रांच। जिसको हम सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं ना दैट इज अ ब्रांच। बेटा ये एकदम ध्यान दे दीजिए, कार्बन एटम विच आई कुड नॉट सेलेक्ट दैट इज अ ब्रांच। ब्रांच मतलब इट्स नेम विल गो इन प्रीफिक्स, इट्स नेम विल गो इन प्रीफिक्स, रिमेंबर दैट। जिसको हम सेलेक्ट कर लिए वो वर्ड रूट में उसको इज्जत मिल गई, जिसको सेलेक्ट नहीं किए दैट बिकेम ब्रांच। क्लियर है? यानी हमारा वर्ड रूट क्या होगा, इसका नाम हम लिख देते हैं आपको, फाइव एल्केन एज अ ब्रांच। बेटा एल्केन एज अ प्रीफिक्स नेम एज अल्काइल। अभी से आप इसको जानना शुरू कर दीजिए। एल्केन का नाम जो है ना प्रीफिक्स में, दो कार्बन एटम है और ये प्रीफिक्स में है, इसका नाम होगा इथाइल। सुन रहे हो? इसका नाम yes, है इथाइल। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम आपको बताना शुरू कर देंगे। दिस इज योर फाइव इथाइल नॉन ए। अब बेटा एक बात समझो, यहाँ पर इसका हमने फाइव इथाइल क्यों लिखा? बिकॉज दैट्स अ ब्रांच, सेकेंडरी प्रीफिक्स, साइक्लिक ये नहीं है तो साइक्लो ये वर्ड नहीं है यहाँ पर। वॉट इज दिस नॉन वर्ड रूट? वर्ड रूट है ये। वॉट इज दिस एन? प्राइमरी सफिक्स। आप बोलोगे मिस सेकेंडरी सफिक्स कहाँ है? नहीं है इसमें, इसमें नहीं है तो ये आपका नाम हो गया। मतलब दैट इज दैट्स अ स्टाइल। और टेंथ में सिखाया गया होगा आपको बिटवीन नंबर्स एंड इंग्लिश लेटर यू हैव टू पुट हाइफन। याद है? ये पांच हम क्यों लिखे हैं ये तो हम आपको समझाएंगे, लेकिन नंबर्स एंड इंग्लिश लेटर के बीच में हाइफन होना चाहिए, नंबर्स एंड इंग्लिश लेटर के बीच में। अब आओ एचएस, उसी फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। उसी में एक स्पेशल कंडीशन है, चेन कंटेनिंग, चेन कंटेनिंग ध्यान देना मल्टीपल बॉन्ड्स, कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप। चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप, यहां ध्यान दीजिएगा, और फंक्शनल ग्रुप्स विल बी सेलेक्टेड एज अ वर्ड रूट। ध्यान दीजिएगा, चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप विल बी सेलेक्टेड एज अ वर्ड रूट। इसका मीनिंग क्या है मालूम है? जैसे
ये कंपाउंड है आपका, इस तरह से लिया। अब बेटा बताइए मेरे को कि आपको यहाँ पर कितने सारे चेन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है ये? Yes, ma'am. अभी हाउ मेनी कार्बन आटम राइट? हाँ, इसमें कितना कार्बन आटम है? 9 9 9 9 इसमें बताइए कितने कार्बन आइटम है? 8 7 8 8 कार्बन 8 कार्बन आपको क्या लगता है कि हमको किसको सेलेक्ट करनी चाहिए? 10 कार्बन 10 कार्बन 9 कार्बन आपको 9 कार्बन चेन एग्जैक्टली। अब मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनिए बेटा। अभी हम आपको एक इंफॉर्मेशन दिए, इसके पिछला वाला जो स्लाइड था उसमें हमने बोला था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यू आर राइट। जिसने पिछला वाला स्लाइड ध्यान दिया उन्होंने 10 बोला, कोई परेशानी नहीं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं कोई परेशानी नहीं। बट बेटा वी हैव टू नो वन थिंग, हमने एक लाइन लिखा है चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप विल बी सेलेक्टेड एज वर्ड रूट। दिस चेन में 9 कार्बन चेन, यस यस यस, यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू दैट चेन, दैट लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए ज्यादा कार्बन आटम, विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड्स। तो आपके जो 10 कार्बन आटम्स हैं, भले ही 10 है बेटा इसमें, बट इट्स नॉट कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। और उसके सामने आपके जो 9 कार्बन आटम्स हैं, इट्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। 8 कार्बन आटम, अब बोलोगे कि मिस 8 क्यों नहीं उठा रहे, उसमें भी तो डबल बॉन्ड है। 8 आपका 10 तो कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। 8 कार्बन आटम, 9 कार्बन आटम एंड 10 कार्बन आटम, 10 इज नॉट इन अ कॉम्पिटिशन बिकॉज इट्स नॉट कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप। तो कौन है कॉम्पिटिशन में? ये दोनों। अब इस दोनों में हम किसको सेलेक्ट करेंगे? इस दोनों में हम सेलेक्ट करेंगे जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन। डिड यू गेट हियर? इसका नाम हम कैसे पढ़ेंगे? 9 कार्बन आटम से 1 2 3 4 हम इसको लिखेंगे, ये हमारा हो गया ब्रांच, ये चला गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I'll write here 4 ethyl, ma'am 4 butyl. ठीक है, 1 2 3 4 पर ब्यूटाइल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 non 2 in ये दो है सेकेंड नंबर पे बेटा आपने। this is your secondary, this is your primary prefix, ये secondary prefix है ना, this is word root and this is your primary suffix. अब बताओ कि ये बात समझ में आ रही है आपको? yes ma'am. नेम को सेलेक्ट करने हाँ बोलिए मैम, नेमिंग जो आप अभी की फिर से एक बार बता सकती हैं? बेटा नेमिंग के लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, उसको मत ध्यान दो। मेरा बस मकसद है कि आपको बार बार वार्निंग करना कि भाई सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, अभी मत समझो उस चीज को, वो मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा अभी फिलहाल इंटेंशन है कि क्या वर्ड रूट सेलेक्ट कर पा रहे हो या नहीं। तो बेटा सिस्टमेटिकली हमको जाने दीजिए, हम लिख देते हैं आपके सामने, जस्ट ये अवेयर करने के लिए कि उसको उल्टा पुल्टा नहीं करना। ठीक है, आपको ये बात समझ में अभी आ रही है कि नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको ये चीज मतलब है कि क्या आप वर्ड रूट सेलेक्ट कर पा रहे हो? बेटा ये समझ आ रही है कि वर्ड रूट, हाउ टू सेलेक्ट दैट वर्ड रूट? यस मैम। अभी नंबरिंग भी कैसे, आपके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मिस आपने इधर से क्यों स्टार्ट किया, इधर से क्यों किया। बेटा वो सब एकदम परेशान नहीं होना है, स्टेप वाइज वी आर प्रोसीडिंग एंड विल रीच देयर। अभी आपको बस ये जानना है
कौन यहाँ वर्ड रूट है. ठीक है, आपको समझ में आ गया. पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, लेकिन यदि वहां स्कोप है मल्टीपल बॉन्ड्स का तो हम उस चेन को अहमियत देंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होगा या ठीक है. नेक्स्ट नंबर थ्री वी आर कमिंग. ये थर्ड नहीं हम लोग लेंगे, बेसिकली सेकंड ले रहे हैं वो. हम फर्स्ट में ए एंड बी था, सेकंड है नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड कार्बन चेन ऑफ सेलेक्टेड कार्बन चेन. जिसको आपने सेलेक्ट किया उसकी नंबरिंग कैसे करें हम. दिस इज द एजेंडा नाउ. ठीक है, इसमें कुछ रूल्स हैं हमारे. इसमें कुछ रूल्स हैं कि आपको काउंटिंग कहां से करना है, किसको आप वन बोलिएगा किसको टू बोलिएगा. नंबरिंग यहां पर स्टार्ट होता है लोएस्ट लोकेंट रूल के तहत. लोएस्ट लोकेंट रूल, दिस सेज व्हाट. नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट एंड. नंबरिंग starts from that end which provides which provides west locant matlab pradesh lowest locant to the branch or multiple bonds or function group. I'm trying to find out from where. Only that, can our TV on? Can our TV on? TV, TV on. Please, sir. I'm going to study some things. Mohini, Krishna. Garima, please mute yourself. Garima, please mute yourself. I can't see who is mute. Tell me, sir. Garima, please mute yourself. Garima is there. Ma'am, I'm muted. No, you are not muted. But just take care. Otherwise, it's getting recorded. Sorry, ma'am. Okay, it's okay. Yeah. Lowest locant rule we are saying here. Numbering starts from that end which provides lowest locant to the branch, multiple bonds, and functional group. Right. So numbering of selected carbon chain. Iska matlab kya hai? Beta, jaise dekhi. Ekdam common sense lagani hai yahan par hum log. Suppose karo ki ye select kar liya aapne. And this is having CH3, right? अब आपको यहाँ पर बता करना है क्या लगता है किधर से, means आप corner से या तो यहाँ से start कर सकते हो या यहाँ से start कर सकते हो. Right. तो हम लोग को ऐसा start करना है. Right side. Right side. From right side. 2, 3, 4 and 5. ये आपका चला गया branch. ठीक है. दूसरा यहाँ पर B. आपको example अभी हम दे रहे हैं काफी. आपको समझ में आ गई. आगे जरा से एक बात सुनो. दिस इज आवर फर्स्ट रूल सेट ए. नेक्स्ट वी आर टेकिंग रूल बी. रूल बी में क्या है आपका, यदि किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, क्या होते हैं कि ये जो अल्काइल ग्रुप देख रहे हो ना, अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये लोग सब एक ही स्टेटस के हैं. दे आर हैविंग सेम स्टेटस. ठीक है, दे आर हैविंग सेम स्टेटस इफ दे क्लेम फॉर द सेम प्लेस. यदि ये क्लेम करते हैं सेम ही प्लेस का,
मतलब अल्काइल डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी इज सेट एज डबल बॉन्ड ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन अल्काइल ग्रुप. अल्काइल मीन्स आर. लेकिन प्रायोरिटी वर्ड कब आता है ना, जब दब एक ही जगह के लिए फाइट करने लगते हैं. जैसे देखो क्या मीन कर रहे हैं वो समझना जरा सा. सपोज करो बेटा यहां पर देखिएगा ध्यान से, दिस इज हियर सी डबल बॉन्ड सी एंड दिस इज ट्रिपल बॉन्ड हियर. बेटा ये बताइए कि क्या ये दोनों एक ही जगह के लिए फाइट कर रहे हैं? हम किधर से किधर से करें? यस मैम, हम लेफ्ट से. हम लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड. 2, 3, 4 and 5 करेक्ट है सभी को? यस मैम. यस मैम. नाउ 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 जस्ट लुक एट हियर. अब आपका कॉमन सेंस क्या कहते हैं? व्हाट योर कॉमन सेंस सजेस्ट? सी फ्रॉम राइट फिफ्थ साइड वी शुड स्टार्ट. From left. From left. एक बात मेरी सुनिए. एक बात बेटा अच्छे से सुनिएगा. हमने क्या बोला कि जब आपको कंफ्यूजन होता है तब ये प्रायोरिटी सीरीज है. When you are having confusion कि हम किधर से स्टार्ट करें और कब कंफ्यूजन होगा, when both all are claiming for the same place. डबल बॉन्ड इज नॉट क्लेमिंग फॉर द फर्स्ट. ये क्लेम कर रहा है बेटा फर्स्ट के लिए. डबल बॉन्ड इज नॉट क्लेमिंग फॉर द फर्स्ट. सबको दिख रहा है डबल बॉन्ड पहले नंबर पे नहीं है यहाँ पर. तो आपको आपको वहां पर लोएस्ट लोकेंट को ही लेकर चलना होगा. यानी कि जो लोएस्ट लोकेंट जल्दी से दे दे तब आपको प्रायोरिटी सीरीज नहीं देखनी है. आपको बस देखनी है कि कैसे मल्टीपल बॉन्ड जल्दी से मिल जाए. यदि आप बाएं साइड से कीजिएगा तो मल्टीपल बॉन्ड्स आपको सेकंड पे मिलता है. आप दाएं साइड से कीजिएगा तो इट्स कमिंग ऑन फर्स्ट ओनली. आप बोलोगे कि ये वाला रूल कब लगाएंगे? जब हम कंफ्यूज हैं कि अरे इधर दाएं से आ रहे हैं तो पहले उसे दाएं और बाएं से एक में सेकंड डबल बॉन्ड पहले आ जा रहा है एक में ट्रिपल बॉन्ड. तो किसको किसको अहमियत दे? वी नीड टू गिव टू डबल बॉन्ड. ये ध्यान रखना. अभी और प्रैक्टिस कराते हैं. ओके चलिए बेटा अब थोड़ा सा आइडिया दो कि कहां से काउंटिंग करेगा. फ्रॉम लेफ्ट साइड आई शुड स्टार्ट काउंटिंग. सब लोग अपने अपने दिमाग लगाइए. मैम फ्रॉम द लेफ्ट साइड. लेफ्ट एंड मिस राइट साइड. चलो मैं बात सुन. फ्रॉम द राइट साइड. राइट साइड. राइट साइड. राइट राइट राइट. यस मिस राइट साइड. राइट साइड. श्योर. यस मिस राइट. व्हाई डिड यू से राइट साइड? इज द ब्रांच इज कमिंग एट थर्ड. द ब्रांच. Miss branches at third place. आपको ये दोनों दोनों तरफ से सेम नंबर पे आ रहा था. आप लोकेंट लिख डालो बेटा. आप लोकेंट की जगह लिखिए. कहाँ कहाँ पे आपको लोकेंट दिखा? राइट टू लेफ्ट में. ये आपके लिए राइट ही है. राइट टू लेफ्ट में कहाँ कहाँ लोकेंट दिखा? फर्स्ट पे दिखा. फिर कहाँ दिखा? थ्री पे दिखा. एक नहीं दो दिखा. थ्री दिखा और फिर उसके बाद फाइव पर दिखा. फाइव. If you move from left to right, बेटा यदि आप left to right move करते हो तब क्या सीन है? One, two, three, four, five, and six. So what should I say? Five. One. ठीक है? Four, four and five. Four and five. 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 ठीक है? One, three, three, five, and this is one, four, four, five. तो आपको क्या नजर आ रहा है? राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट. व्हिच इज मोर करेक्ट? कौन आप राइट टू लेफ्ट टू लेफ्ट. कंपैरिजन कीजिए. पहला वाला जगह सेम है लेकिन सेकंड वाला लोएस्ट जल्दी जल्दी से इनका है ना कि आप उधर से कीजिए जिससे कि हमारे लिए ब्रांच मल्टीपल बॉन्ड्स और ये सब मेहमान की तरह है. दे आर एज ए गेस्ट. उनको रिस्पेक्ट शो करना है बाय गिविंग अ मतलब कि एक तरह से सोचो कि हमको उसको एक रैंकिंग उसको कम दे दें. यानी जल्दी से उसको जाकर के मिठाई वगैरह बांट रहे हैं जल्दी से मिठाई उसको बांट दें तो उसको अच्छा लगेगा.
तो यहाँ पर आपका राइट टू लेफ्ट में लोएस्ट लोकेंट आपको दिख रहा है, सो दिस इज जस्टिफाइड. इज इट ओके? यस मैम. नेक्स्ट आइए. यदि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट प्रेजेंट देन lowest locant is provided to function group. If function group is present, then lowest locant is provided to function group by any name. जैसे कहते हैं ना कि ट्रैफिक में बेटा किसको किसको एकदम से पहले निकाल दिया जाता है, रेड लाइट पर मुश्किल, कौन से एम्बुलेंस एंड द पुलिस कार्स, उनको उनको अहमियत दी जाती है ना, अहमियत दी जाती है, या वीआईपीज रहते हैं उनको उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, वैसे ही आपके फंक्शन ग्रुप को मिलती है इम्पोर्टेंस. सपोज करो ना, ध्यान से देखिएगा, आप बताओ किधर से काउंटिंग करें? मैम राइट से. राइट टू लेफ्ट साइड. राइट टू लेफ्ट. यस मिस. लेफ्ट में जल्दी आ रहा था, डबल बॉन्ड नहीं चलेगा? नो मिस, फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. फंक्शनल ग्रुप आएगा तो मेरा ध्यान केवल फंक्शनल ग्रुप पे जाएगा कि इसको कम से कम, और लेफ्ट से यदि करेंगे तो इसको गुस्सा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 फोर नंबर पे आएगा. मतलब हमारा ये ध्यान रहना है कि किस तरह से हमारे फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिल जाए. दिस इज वेरी करेक्ट, लाइक जिन्होंने सही बोल ये इस तरह से सोचा. अब बेटा अब आपको एक ऑप्शन देते हैं, थोड़ा अपना कॉमन सेंस एंड इमोशनल ब्रेन भी लगाइएगा, जरा सा इमोशनल इमोशंस भी लगाइएगा. मैम फ्रॉम द लेफ्ट साइड. लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट साइड मिस. लेफ्ट साइड. राइट से क्यों नहीं? बिकॉज़ फ्रॉम बोथ साइड वी आर गेटिंग द सेम पोजीशन फॉर द फंक्शनल ग्रुप, सो वी शुड गिव लोएस्ट पोजीशन टू द डबल बॉन्ड. ये सिखाता है कि इसको फंक्शनल ग्रुप को अहमियत दे. देखो ये कभी नहीं कहता है मेरे ही पास से, बीच से आप शुरू नहीं कर सकते हो काउंटिंग, आपको काउंटिंग किनारे से ही करनी होगी, या तो yes, दाएं से. तो आप जब दाएं से कर रहे हो तो इसको थ्री, कहीं से भी थ्री नंबर ही आ रहा है. yes, ये कहता है इसका सपना. yes, miss. हम आपको इसलिए बोले इमोशंस थोड़ा ध्यान रखने के लिए, क्योंकि तो कुछ लोगों को लगता है कि गाय को इससे जलन, मतलब इसको क्यों अहमियत दे इसके सामने. लेकिन इसका कहना है कि भैया मेरा नंबर थर्ड पे तो वैसे भी आने वाला, इधर से आइए इधर से आए. इफ यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू डबल बॉन्ड हियर, वन इसमें क्या हुआ कि हम इसको भी इज्जत दे दिए डबल बॉन्ड को, इसको बुरा भी नहीं लगेगा. समझ आ रही है? yes, miss. हमको ये बताओ जरा सा बेटा, इसमें फर्स्ट कौन होगा? OH. ये वाली जगह, ठीक है? yes, first OH. आपको अपने दिमाग लगानी, from which side I should move, I should go, I should make this. I'm from the right side. Miss right side. Right side. इसको second करें या इसको second करें? Right side. I'm the right side. Right double one. सब लोग double one should second position. सेकेंड वाले इधर. मेरा कहना है कि आई शुड टेक दिस इज सेकेंड राइट को या लेफ्ट को? राइट राइट. यस मिस राइट. रीजन इज व्हाट? डबल बॉन्ड. दिस इज एंड दिस वन हैज स्टार्टेड फाइटिंग, सो आई हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड राइट.
सही है। दीदी को समझाने में बहुत सही है। यस। अब इसके बाद एक चीज और अलग एग्जांपल देते हैं हम आपको। काउंटिंग किधर से करें? वन इस ओएच के बाद ओएच राइट इधर मूव करें राइट साइड ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों को आएंगे ऐसे आपको बेसिक समझ में आ रही। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई फ्रॉम द राइट साइड इन दिस केस सेकंड वन बेटा हाँ लेफ्ट हैंड साइड क्यों नहीं लिया? तो आप ये बताओ कि बेटा आपका इंटेंशन क्या था? OH को फर्स्ट प्लेस देना, उसके बाद आप किसको फर्स्ट प्लेस देना चाह रहे थे? आप चाह रहे हो कि फर्स्ट प्लेस डबल बॉन्ड को भी मिल जाए, डबल बॉन्ड चाहते हो ना? तो यदि आप राइट साइड मूव करोगे, इफ यू आर गोइंग टू मूव लाइक दिस, इसका मतलब आप डबल बॉन्ड को फर्स्ट एंड सेकेंड पे आपने चांस दिया, यहां दिया चांस। लेकिन यदि बाईं तरफ मूव कर जाओगे ना, तो तुम्हारी गलत फहमी है। जब भी आप डबल बॉन्ड को फर्स्ट या कहीं पर नंबर देना चाहते हो तो देखो कि डबल बॉन्ड शुड बी इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा डबल बॉन्ड सपोज हम बोलते हैं डबल बॉन्ड थर्ड पे है। इफ आई से डबल बॉन्ड इज इन ऑन थर्ड कार्बन एटम, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ थर्ड कार्बन एटम? ये किसके किसके बीच में होना चाहिए बेटा? इफ आई से डबल बॉन्ड इज ऑन थर्ड कार्बन एटम, व्हाट डू यू से डबल बॉन्ड शुड बी द बॉन्ड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम? थर्ड एंड फोर्थ थर्ड कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। जब आप बोल रहे हो कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट, then it should be, आप यदि दिमाग में सोच रहे हो तो it should be between first and second. second तो आपको बनाना ही होगा ना, right hand side move करनी होगी, ठीक है? ये था numbering का design, आपको basic समझ में आ गया। अब हम आते हैं next rule पे। देखिए between primary suffix and secondary suffix, two vowels cannot stay together. Suna ye? Yes, ma'am. And third rule. Jo bhi rule hai beta, dekh lijiyega. Cannot stay together. Between primary suffix and secondary suffix, two vowels cannot stay together. Are you getting this point? What's the meaning of this line? Yes, हाँ, जैसे बेटा यहाँ आइए। आप 10th standard में क्या नाम दिए थे इसका? Prop. Propanol. Without E. Without the E. One. All. Prop, aim, one, all, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. As present, prop, aim, एक बार बताओ, सोच करके बताइए जरा। बेटा ये तीन कार्बन एटम की वजह से ये prop है। And we are having only single bond. It's going to be what? Aim. एक OH group है. एक ही OH group है, so it's going to be named as what? All. So what it should be? Prop. All. Prop, A, one, all. ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ yes, miss. A में से E हटा दिए हैं. Notice किया? Because two vowels not stay together. Vowels are A, E, I, O, U. And chemistry में एक special है, one. Okay. एक example. Suppose you are writing this name. ये खूब आता है. Can you say here how many carbon atoms are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Wait. How many carbon atoms? One, five. Five. Can we write pent?
Yes, ma'am. Yes, miss. Yes. Can you suggest here what, how many bonds should be there in between? When yes, ma'am. Pentane. Diol. Pentane, 2, 3, diol. 3, diol. 3, diol. Now I'll ask you one thing. Why did not I remove this E from here? Ma'am, because D is not diol. Primary suffix? Because the next letter is a consonant, not a vowel. Right? So, and D, yes. D ko address nahi karenge. D samne aaya hua hai, vowel saath mein nahi hai. ये चलेगा प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स जो है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है नो मैम राइट अब जो भी नंबर आपका आ रहा है फाइव नंबर हम लिख रहे हैं जैसे देखिए बेटा ये ऐसे कितने डबल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे देखना मेरा नाम हम क्या लिख रहे हैं हेक्स वर्ड रूट मैम वी कैन एक्सक्यूज मी मैम हाँ बोलिए मैम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड Any of these sides, yeah. We'll be getting same. Yes. This is hex here. One. Three. Three. Four. Three. Five. Three. Five. 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 And now, wait up. Now, what I'm going to tell you here. Jab bhi aap before primary suffix, you are putting numbers. Di, tri, tetra, etc. Elk becomes alka. Elk becomes alka. Alka. When primary suffix contains Di, tri, tetra, terms, etc. Samajh aayi baat? Yes, miss. Yes, miss. Ab ek naya rule. Rule nahi hai. Ye rule nahi hai basically. Aap thoda sa iska naam hum kaise rakhenge? Kaise? Kahan se counting bataya tha beta aap logon? Left side. How will you write its name? Butte. Why this E is not there? Because Y is also considered a vowel in chemistry. Here. ये इतना है आपका दैट्स अ पार्ट हियर वी वर सपोज टू टेक नाउ नेक्स्ट विल बी टेकिंग नेक्स्ट क्लास में नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स विल टेक ऑन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कुछ मैन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा ब्रांच कंटेनिंग ब्रांचेस उसको करेंगे हम लोग ठीक है सो राइट नाउ एंडिंग ऑल कैन सी एग्जैक्टली व्हाट वी डिड बेसिक हमने किया बेसिक किया एंड बेसिक हो जाने के बाद फिर विगरस प्रैक्टिस होगा विगरस रिगरस जो भी होते हैं हमारे केमिस्ट्री में बहुत होता है ठीक है उसकी प्रैक्टिस करेंगे सही है Thank you, miss. Thank you. Good night. Good night, miss.